दोस्तों, आज हम लोग LR-66 को स्टार्ट करने के बारे में सीखेंगे, जो मेड इन जर्मन है। इसे कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको मैं बताऊंगा। और देखिए कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये स्विच है, इसको पहले उठाना है और उसके बाद में स्विच ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा स्विच ऑन हो गया। अब हम इधर देख लेते हैं जो चाबी है, इस चाबी को दोस्तों 2 बार घुमाना है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है पूरा, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है, ये हमारा कैमरे का डिस्प्ले है, जो कि कैमरा ऑन है। तो ये हमारा है, ये फर्स्ट ड्रम है, और ये जो है, ये हमारा ए फ्रेम का ड्रम है, और ये जो है हमारा पीछे वाला कैमरा चालू है, उसका सुपर लिफ्ट आपको शो हो रहा होगा। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये 3 नंबर ड्रम का जो डायरेक्ट बूम पे है, उसका शो हो रहा है कैमरा। अब जो है, ये हमारा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पूरा फंक्शन शो कर रहा है, जो कि कंप्यूटर ऑन होता है तो शो होता है। तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो है, ये हमारा डीजल बताता है कि कितना परसेंट है डीजल, इसमें वो शो करता है। उसके बाद जो है ये वाला, ये कितना प्रेशर बार हमारा जा रहा है हाइड्रोलिक का, वो हमारा शो करता है। और उसके बाद जो है, ये हमारा इंजन का हीटिंग शो करता है कि कितना परसेंट हीट हुआ है। और ये जो है, ये हमारा हाइड्रोलिक ऑयल का, कितना हमारा हाइड्रोलिक ऑयल हीटिंग है। और उसके बाद हमारा ये बैटरी का है, कितना वोल्ट मतलब हमारा बैटरी चार्ज है। उसके बाद दोस्तों, हमारा डीजल उजल जो भी है, कम है ज़्यादा है, उसे हम देख के फिलअप कर सकते हैं, और जो भी कुछ एरर आए वो शो करेगा, तो उसको भी हम सही कर सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। अभी हम F8 को दबाएंगे, उससे हमारा कंप्यूटर आगे बढ़ेगा, जो भी उसका प्रोसेस है। और ये देखिए, ये हमारा 1 नंबर कंप्यूटर है, और ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है। तो कुछ एरर आ रहा है 3 नंबर में, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, आपको बताऊंगा कि कैसे कोई एरर आता है तो उसको हटाना है। अभी देखिए, हमारा ये लोड चार्ट का पूरा खुल गया है, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है, जो चल रहा है, या फिर कोई और भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसका भी कोड आ गया है। इसमें क्या कोड डालने पे पूरा अपना आ जाता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको यूज करना है, कौन सा काम है, उस हिसाब से। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें ये देख रहे हैं आप, बहुत सारे चीज़ें हैं जो जानना है। F8 दबाएंगे और फिर हमारा कंप्यूटर जो है, वो फिर से आगे की तरफ प्रोसेस करेगा। आपको जो है, अभी बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही बारीकी से। तो ये देखिए, ये भी कुछ आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको सब डिटेल बताऊंगा। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, अभी हमको फिर से F8 दबाना है। और हम जैसे ही F8 दबा देंगे, तो फिर क्या है, हमारा कंप्यूटर जो है ये ऑन हो जाता है, इसमें पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अभी जो है, हमको यहाँ पे F3 दबाना है, जिससे हम अपना क्रेन का लेवल चेक कर सकते हैं और विंड का चेक कर सकते हैं, कितना चल रहा है हवा। तो अभी जो है, वो हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। तो अभी हम आपको क्रेन स्टार्ट करके बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करना है, तो चलिए हम दिखाते हैं। तो अभी हम लोग, चलिए आपको चाबी के पास ले चलते हैं। तो ये चाबी है, इसको हमको क्या है, एक बहुत ही छोटा सा राउंड देना है, तो हमारा करंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसको चलिए थोड़ा सा हम टेढ़ा करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, तो हमारा करंट स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा RPM जो है, पहले ये 0 था और अभी हमारा RPM पूरा शो कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो है, हमारा करंट स्टार्ट हो गया है।
दोस्तों आपको वीडियो में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, किसी भी क्रेन के बारे में आपको मैं ज़रूर वीडियो बना के फिर बताऊंगा। और दोस्तों आपको ये सब जो कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा होगा इस सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या क्या काम है और कौन से कंप्यूटर को कैसे चलाना है, क्या क्या इसमें सेट करना है, सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेन तो दोस्तों स्टार्ट करना आप जान गए, अब क्रेन कैसे बंद करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है एक लाल बटन दिया गया है, इसको हमको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर, तो हमारा क्या फिर कंप्यूटर बंद होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा प्रेस करते हैं। तो ये हमने प्रेस कर दिया है, अभी हमारे डिस्प्ले पे जो है RPM एकदम जीरो हो गया है और अब है हमारा क्रेन बंद हो चुका है। अब हम चाबी को जो है तो उसको घुमाने के बाद हमारा कंप्यूटर जो है वो बंद हो गया। और अब जो है हमारा स्विच था जिसको हमने स्विच को ऊपर किया था, तो इस स्विच को भी हम पहले ये लॉक उठा देंगे और उसके बाद फिर स्विच को नीचे कर देंगे, तो हमारा क्रेन जो है पूरी तरीके से बंद हो गया है।